So hello everyone, so I'm here back again with the subject SST, and I will be teaching you the second part of SST history, and the chapter would be the French Revolution. Alright, so earlier we have discussed about the French Revolution and its all happenings in the previous part, how Robespierre government tried to control the society. Alright, so now we will be moving to the next topic, that is, did women have a revolution? Means how women played a particular role in the French Revolution, and how they fight for their rights, and we will be studying in this part. So from very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. As we already know that women too were active participants in the French Revolution. They were actively involved in the revolutionary tactics and the secret societies formed by many revolutionary leaders at that time in the French. So शुरू से ही जो था, जो वुमेन पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर, और ज्यादातर जो वुमेन्स होते थे, जो वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, वो तुम्हारे थर्ड क्लास के लोग हुआ करते थे. जो थर्ड स्टेट होता था, पहला था तुम्हारा क्लर्जी, फिर नोबल्स, फिर थर्ड स्टेट के लोग होते हैं जिसमें से स्मॉल बिजनेसमैन, लेबरर्स, पीसेंट्स, स्मॉल लैंड होल्डर्स, वुमेन्स, ठीक है. तो इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. क्लियर. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अर लिविंग, और ज्यादातर जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी, ठीक है, उनको अपना लिविंग अर्न करना पड़ता, यानी कि वो लोग भी जो है कमाने के लिए जाती थी. दे सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट्स, और वर एम्प्लॉयड एज सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल. और ज्यादातर जो औरतें थी उस टाइम पे, वो ज्यादातर क्या थी, जो फ्लावर बेचने वाली होती थी, फ्रूट्स बेचने वाली होती थी, वेजिटेबल्स बेचने वाली होती थी मार्केट में, और कुछ ऐसे कुछ सर्वेंट्स हुआ करती थी जो बहुत ही अमीर लोगों के घर में काम किया करती थी, ठीक है. वो मतलब उस समय कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा बुरी हो रखी थी वुमेन्स की, और उनको बहुत ही कठिनाइयों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था. अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को देखना, उनको खाना पिलाना, कुएं से पानी निकालना, ठीक है, साफ सफाई करना घर का, बच्चों को देखना, घर साफ करना, कपड़े साफ करना, ठीक है. तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही उनकी जो लाइफ होती थी बहुत ज्यादा कठिन होती थी उस टाइम पे. क्लियर. मोस्ट वुमेन डज नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और बहुत सारे ऐसे वुमेन्स थे जिनको वहां पे, क्योंकि लॉज ऐसे थे कि बहुत सारे वुमेन्स को जो है जॉब ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन उन्हें मिल ही नहीं पाता था, ठीक है. जो बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े घर के लोग होते थे, ठीक है, नोबल सोसाइटी के लोग होते थे, जो गर्ल्स होती थी, सिर्फ वही जो है ज्यादातर स्कूल्स या कॉन्वेंट स्कूल्स में जा पाती थी. क्लियर. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स. तो इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए जो है वुमेन जो थी वहां की, उन्होंने जो है अपने 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 विचारों को डिस्कस करने के लिए, अपनी थिंकिंग को डिस्कस करने के लिए, अपने आइडियाज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, अपने ओपिनियंस को डिस्कस करने के लिए, अपने अपने वॉइस देयर इंटरेस्ट, यानी कि उनको वुमेन्स को क्या इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स जो है उन्होंने छापना शुरू, पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर्स छापना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटीज, फ्रेंच सिटीज, यानी कि जो उस समय फ्रेंच की ऐसी हालत थी कि वहां पे अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने राइट्स को रखने के लिए जो है वहां पे करीब ऐसे 60 ऐसे वुमेन्स क्लब्स बनाई गई थी फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है, जिसमें से सबसे पॉपुलर कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. ये जो क्लब था, पॉलिटिकल जो क्लब था वुमेन्स का, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा फेमस उस समय हुआ था फ्रेंच सोसाइटी में. कौन सा? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. क्लियर. वन ऑफ द डिमांड्स वॉज दैट वुमेन शुड एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, और उनमें और सारे पॉलिटिकल राइट्स जो सोसाइटीज जो बनाई गई थी फ्रेंच सोसाइटीज में, फ्रेंच सिटीज में, उन सबका एक ही डिमांड था कि
इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल राइट्स मेन को मिला हुआ है वो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम पैसिव सिटीजंस, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 में, ठीक है, टेनिस कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, उस समय जो है वुमेन्स को एक पैसिव सिटीजन बनाया गया था, यानी कि वो पैसिव सिटीजन कहने का मतलब है इनएक्टिव सिटीजन्स, ठीक है, जो एक्टिव नहीं होती है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड इन असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि जो वुमेन्स डिमांड रखा था वो क्या कर रखा था, डिमांड अपना कि उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, वो उनको असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार होना चाहिए और पॉलिटिकल ऑफिस उनको होल्ड करने का अधिकार होना चाहिए। जब हमने देखा था कि जब लिबरल्स का और डेमोक्रेट्स का जो तीनों स्टेट का जो जनरल असेंबली हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक साइड तुम्हारे नोबल्स बैठे थे, एक साइड क्लर्जी बैठे हुए थे, ठीक है, और दूसरे साइड थर्ड साइड जो लिबरल्स थे चारों तरफ से घिरे हुए थे, क्लियर, और जो वुमेन्स थे जो पीसेंस थे उनको क्या किया कर दिया गया था, उनको साइड में जो है खड़ा करके उनको बस देखने के लिए बोल दिया, ऐसे उनको जो है वुमेन्स को जो है उसमें एंट्री करने का अलाउड ही नहीं मिला था, ठीक है, जब जनरल असेंबली होल्ड किया गया था, ठीक है, तो ओनली देन दे वुड फेल दैट इंटरेस्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या क्या डिमांड रखा था अपना कि उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उनको जो है असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार होना चाहिए और उनको पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार होना चाहिए, क्लियर, तभी वो अगर ये तीनों चीज होते हैं, उनके डिमांड्स पूरे तीनों चीज फुलफिल होते हैं तभी उनको लगेगा कि हाँ जो है कि उनके उनके इंटरेस्ट को उनके उनके इंटरेस्ट को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है नए गवर्नमेंट में, क्लियर। इन अर्ली इयर्स रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज फॉर वुमेन्स, इससे पहले भी जो है वुमेन्स के लिए लॉ बनाया गया था, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स के लिए लॉ बना हुआ था जिसमें वुमेन्स को जो है बहुत ज्यादा आजादी दी गई थी, उनको स्कूलिंग जो है स्कूल खोला गया, ठीक है, और उनके लिए स्कूलिंग कंपलसरी की गई थी फॉर ऑल गर्ल्स, क्लियर, इधर उनके उनके पिता को जो है ये मना कर दिया गया था कि वो फोर्सफुली जो है उसकी मैरिज उसके मर्जी के खिलाफ नहीं किया जा सकता, क्लियर, मैरिज वॉज डन अकॉर्डिंग टू सिविल लॉज, और जो वहां पे शादियां होती थी उस टाइम पे शादियां वहां पे सिविल लॉ के अकॉर्डिंग होती थी, क्लियर। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और डाइवोर्स जो है लीगल बना दिया गया था, ठीक है, मतलब 1791 मतलब बहुत ये पहले की बात की जा रही है, ठीक है, तो डाइवोर्स जो है लीगल बना दिया गया था बोथ वुमेन एंड मेन के लिए, वुमेन्स कुड अप्लाई फॉर ट्रेनिंग जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, और उनको ये भी अधिकार दिया गया था पहले टाइम पे कि वो अपने ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकती हैं, आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और स्मॉल बिजनेस भी अपना होल्ड कर सकती हैं, अपना चला सकती हैं, तो ये सब अधिकार जो है पहले भी मिला होता, बट बाद में जो है इनसे छीन लिया गया था जब क्लर्जी जब मोनार्की वहां पे रूल करने लग गए थे, क्लियर। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट कॉन्टिन्यूड ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर 1793 से 1794, जब रोबेस्पियर, रीन ऑफ टेरर क्या था ये 1793 से 1794, जब रॉबेस्पियर ने जब रॉबेस्पियर का कंट्रोल काफी ज्यादा कठोर और हार्ड हो गया था, जब वो उसे उसका गवर्नमेंट था बहुत ज्यादा हार्ड और कठोर होने लग गई थी, उसी एरिया को उसी टाइम को जो है रीन ऑफ टेरर माना जाता है, यानी कि रीन का माना बताया था, ये क्या बोलते हैं उसको ध्यान में नहीं आ रहा अभी, आतंक शासन, जिनका मतलब शासन, ठीक है, तो आतंक का शासन 1793-1794 तक माना गया था, ठीक है, जब रॉबेस्पियर जो है बहुत ज्यादा उसने लोगों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था अपना, तो रीन ऑफ टेरर के टाइम पे जो है वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड ड्यूरिंग रीन ऑफ टेरर, और जब रीन ऑफ टेरर था 1793-1794 की बात, उस समय भी जो है वुमेन्स जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपने स्ट्रगल वो लोग कर रही थी, क्लियर। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देम, और रीन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, रीन ऑफ टेरर में धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो वुमेन्स का जो क्लब्स था, ठीक है, जो वुमेन्स क्लब्स था, वुमेन्स जो बहुत सारे वुमेन्स जो है बहुत ज्यादा जो उनके क्लब्स बने हुए थे वुमेन्स के, वो बहुत ज्यादा बैन कर दिया गया उनको,
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटीज थे वेमेन्स की, ठीक है, उस टाइम पे रीन ऑफ टेरर के टाइम पे, उनको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था और उनको फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा वुमेन्स पार्टी, वुमेन का क्या रोल था एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे वो रोल इन रेवोल्यूशन, सॉरी। तो आई होप ये टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या वुमेन्स का क्या कैसे रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उन्होंने भी जो है अपने पॉलिटिकल क्लब्स और पॉलिटिकल राइट्स जो है अपने पॉलिटिकल राइट्स को फुलफिल करने के लिए जो है पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत ही एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते थे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में, ताकि उनके उनके अधिकारों को भी जो है उनके अधिकारों को भी जो है पूरा का पूरा अधिकार मिले उनको। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स मिले, असेंबली में शामिल होने का मौका मिले। ठीक है, तो ये सब था उनका वुमेन्स का, किस तरह से जो है वुमेन्स ने अपने पार्टिसिपेट किया था एक रेवोल्यूशन में। क्लियर, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हम लोग दूसरों के दूसरे बच्चों को भी पहुंचा सके। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एंड टू स्लेवरी। ठीक है, तो उसको बता दू मैं, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी जो है कैसे खत्म किया गया था। क्लियर, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट था उसी ने जो है इस स्लेवरी को खत्म किया था फ्रेंच कॉलोनी से। ठीक है, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डिक्स एंड नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेन्स, यानी कि जो फ्रेंच जो जैकोबिन गवर्नमेंट था उसने जो है स्लेवरी खत्म किया था गवर्नमेंट सॉरी फ्रेंच कॉलोनी से, और उसी ये तो था लास्ट पॉइंट कि जो किसने खत्म किया था। ठीक है, बट जो मेन पॉइंट देखने वाला है कि द स्लेव ट्रेड जो है उस समय जो है पहले उस टाइम पे स्लेव ट्रेड का काम किया जाता था, यानी कि स्लेव्स को इधर से उधर भेजा जाता था। ठीक है, 17th सेंचुरी में एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रह है ये जो बॉर्डिक्स और नांटेस है ये तुम्हारा पोर्ट सिटीज था, यानी कि बंदरगाह वाले शहर थे। ठीक है, वहीं से जो है अफ्रीकन कोस्ट से जो है स्लेव्स को लाया जाता था फ्रेंच कॉलोनीज में, और उनसे जो है एक स्लेव की तरह उनसे नौकर की तरह उनसे काम करवाया जाता था। क्लियर, तो स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, ये व्यापार स्लेव का एक ये व्यापार बन चुका था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डिक्स और नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेन्स, यानी कि ये जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, ये बॉर्डिक्स और नांटेस जो पोर्ट सिटीज था वहां से जो है कहां जाते थे, अफ्रीका जाते थे, और वहां से जो है वो लोग स्लेव्स को लेकर आते थे। ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स इन द यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर कॉफी एंड इंडिगो, और ये जो स्लेव्स मंगाए जाते थे अफ्रीका से जो लाए जाते थे उनसे जो है लेबर की कमी को पूरा किया जाता था। क्लियर, और वो लेबर किस चीज में और उनको किस काम में लगाया जाता था, शुगर के लिए, शुगर के प्रिंट्स में, कॉफी और इंडिगो के, और क्योंकि ये उस समय कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते थे तो उनका उत्पादन करना और उनका सेलिंग करना मर्चेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में उनको प्रॉफिट्स देते थे। ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव, और जो स्लेव्स आए थे, ठीक है, जो स्लेव्स मंगाए गए थे अफ्रीका से उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करने लग गए थे जो फ्रेंच में जो मर्चेंट्स थे। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट जो थे बहुत ज्यादा उन सारे स्लेव्स को बहुत ज्यादा क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते थे, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, उनको बहुत पैसे कम देते थे, वर्किंग आवर्स जो बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, और उनको एक्सप्लॉयट करके जो है जो ग्रोइंग डिमांड जो डिमांड्स बढ़ रहा था शुगर का, कॉफी का, इंडिगो का, उनसे जो है उन डिमांड्स उनसे काम करवाकर जो है इन डिमांड्स को मीट किया जाता था यूरोपियन मार्केट में। पोर सिटीज लाइक बॉर्डिक्स एंड नांटेस ओन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड, और जो बॉर्डिक्स और जो नांटेस जो कि पोर सिटीज था,
ठीक है, उनकी उनकी प्रोस्पेरिटी इकोनॉमी यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था वाली जो प्रोस्पेरिटी थी वो किसके वजह से होती थी, मतलब वो काफी ज्यादा खुशहाल, पैसों के मामले में काफी ज्यादा खुशहाल होते थे। क्यों? क्योंकि जो स्लेव ट्रेड होता था वहां से, जो स्लेव ट्रेड किया जाता था इन पोर्ट सिटी से, वहां से जो है इनके वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है, जो मर्चेंट्स होते थे यहाँ पे इन पोर्ट सिटीज पे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे। ठीक है, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। ठीक है, 18th सेंचुरी के टाइम तक जो है वहां पर स्लेवरी का क्रिटिसिज्म कोई करता ही नहीं था, यानी कि जो स्लेव्स थे वहां पे, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला होता ही नहीं था। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मेन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी वहां पे जो है बहुत ज्यादा डिबेट किया जाता था कि जो राइट्स ऑफ वुमेन, जो राइट्स ऑफ मेन है वो सबको, वो पूरे ऑल फ्रेंच के लोगों को बढ़ाया जाए, यानी कि सबको जो है इक्वल राइट्स दिया जाए, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी से। बट इट डिड नॉट पास अवे एनी लॉस फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन स्लेव ट्रेड। और ठीक है फ्रेंड, नेशनल असेंबली बहुत कोशिश किया कि इस पर डिबेट करें और एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो पूरे सिटीजन के लिए सेम लॉ लागू, इक्वल हो सबके लिए, ठीक है, जो भी लोग हैं फ्रेंच में। बट उन्होंने वो ऐसा लॉ नहीं पास कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिनकी इनकम ज्यादातर स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट है, वो उनकी खत्म हो जाएगी तो हमारी सरकार जो है नहीं चलने देंगे, यानी कि वो उन्होंने लॉ इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड नेशनल असेंबली ने डिबेट तो किया था बहुत ज्यादा, बट वो लॉ पास नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो ऑपोजिशन है, जो कि बिग बिजनेसमैन है, ठीक है, वो उनकी जो इनकम किस पे डिपेंडेंट थी, उनकी इनकम डिपेंडेंट थी स्लेव ट्रेड पे, यानी कि स्लेव्स पे, ठीक है। जब स्लेव्स पर इक्वल राइट्स, अगर मान लो लॉ लग जाता है इक्वल राइट्स का, तो स्लेव एक स्लेव नहीं रहेगा, एक आम नागरिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ पास नहीं किया था ताकि ये आम नागरिक ना हो और ये स्लेव के स्लेव रहे, उनके राइट्स को छीन, मतलब ये कहने का मतलब है कि इनके राइट्स को जो है छीन लिया गया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन ऑफ 1794 लीगलाइज्ड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। और एक फैसला लिया गया 1794 के कन्वेंशन में, मीटिंग में, कि जो स्लेव्स हैं फ्रेंच कॉलोनीज से बाहर जो स्लेव्स मंगाए जा रहे हैं, जो स्लेव्स भेजे जा रहे हैं, उनको जो है वो जो है खत्म कर दिया जाना चाहिए। कब? 1794 के लेजिस्लेशन में, ठीक है। हाउएवर 10 इयर्स लेटर नेपोलियन ब्रॉट बैक द स्लेवरी। और यहाँ पे तो 1794 में लॉ बना दिया गया था, ठीक है, यानी कि स्लेव्स पे बैन कर दिया गया था, स्लेव ट्रेड पे बैन कर दिया गया। बट 10 साल के बाद जो है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने जो है दोबारा जो है स्लेवरी को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। बट और जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे, उनको लगता था कि जो स्लेव ट्रेड है वो उनके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। ये बहुत उनका सोच था कि जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे, उनको लगता था कि जो हमारी बिजनेस की प्रोस्पेरिटी है, जो इंडिगो हम लोग उगा रहे हैं, जो शुगर हम लोग उगा रहे हैं, जो कॉफी हम लोग उगा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हमें फायदा होता है कि जो स्लेव ट्रेड, जो स्लेव्स हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे वो लोग, ठीक है, जिनसे उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा होती थी। फाइनली जो है फ्रेंच में जो है स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था, कब? 1848 में, क्लियर। तो फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी जो है फाइनली 1848 में उसको बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक आपको, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी कि क्या रिवोल्यूशन के बारे में बताएगा और आपको एवरीडे लाइफ बताएगा, उसके बाद क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच गए कंक्लूजन पे। तो द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि 1789 के बाद जो है बहुत सारी चेंजेस जो है देखी गई थी फ्रांस के रीजन में, ठीक है। वहां के जो लोगों की जिंदगी थी, जैसे मेन हो गए, वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वहां की जो लाइफ थी वो पूरी की पूरी उनकी चेंज हो चुकी थी। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू किट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा जो है
तक संभाला, ठीक है, यानी कि वहां का पूरा रूल जो है उनके हाथों में गया, रेवोल्यूशनरी लोगों के हाथों में, ठीक है। और उन्होंने जो है अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जो है यहाँ के, वो जो है वहाँ यहाँ पे सारे लॉज पास करेंगे और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी को लागू करेंगे, क्लियर, इनटू एवरीडे लाइफ प्रैक्टिस, यानी कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी यानी कि लिबर्टी और इक्वालिटी की जो भावना थी वो यहाँ पे उसके लिए जो है लॉज पास किए जाएंगे और यही चीजों को जो है डेली के डेली फॉलो किया जाएगा। One important law that came soon after storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. ठीक है, यानी कि जो Bastille Fort था जिसको revolutionaries ने खत्म किया था 1789, ठीक है, 1789 के बाद जो एक बहुत ही important जो law लगा लागू हुआ था वो था abolition of censorship, यानी कि censorship पे जो वहाँ पे censorship पे जो मनाही थी उसको खत्म कर दी गई थी, ठीक है, यानी कि अब न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स, न्यूज, ठीक है, उन सबको जो है अब परमिशन मिल चुका था, उनको आजादी मिल चुकी थी पूरी कि आप लोग जो है क्या बोलते हैं उसको इक्वल जो है इक्वल राइट्स पे जो है आप लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज को अपोज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे के आइडियाज को अपोज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये होता है सेंसरशिप, यानी कि तो उस जो सेंसरशिप जो लागू किया गया था उसको जो है खत्म कर दिया गया। इन द ओल्ड डिजाइन ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक्स न्यूज़पेपर्स प्लेज कुड ओनली बी अप्रूव्ड बाय सेंसर्स ऑफ द किंग। पहले क्या होता था, पहले जो जमाना था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वो 1715 के टाइम पे क्या होता था कि जो भी मटेरियल्स होती थी, जो भी एक्टिविटीज होती थी वहां पर कल्चरल, ठीक है, जैसे बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, प्लेज हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, जो भी पहले जो लागू होता था वो किसके ऑर्डर पे होता था, जो सेंसर्स का जो किंग होता था वो जब वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, तभी जो है वो सब बुक छप सकती है, न्यूज पेपर छप सकते थे, वहां पे कोई फेस्टिवल मन सकते थे, वहां पे कोई प्लेस या आपके कोई ऑर्गेनाइज हो सकता था, बट उस चीज को जो खत्म कर दिया गया अब, यानी कि ये जो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप था उसको खत्म कर दिया गया था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ठीक है, प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो राइट डिक्लेरेशन, जो राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन सिटीजन्स का जो डिक्लेरेशन हुआ था, इस राइट यस अधिकार का, कौन सा अधिकार का, द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो है वो अधिकार मिल गया लोगों को, न्यूज़पेपर्स जो है, पैम्पलेट जो है, बुक्स जो है, प्रिंटेड पिक्चर्स जो है वो पूरे के पूरे फ्रांस के टाउन्स में फैल चुकी थी सेंसरशिप हटने के बाद। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मैन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि मीडिया जो है, मीडिया जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, सॉरी प्रेस जो है उसको मीडिया पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, या मीडिया पर्सन को, न्यूज जो न्यूज चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं तो उनको जो है अधिकार मिल गया था कि अगर कोई आइडियाज तुम लोग लाइक नहीं करते हो गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लाइक नहीं करते हो तो उसके खिलाफ अपोजिशन अपोज करने का तुमको राइट मिल गया था, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, तुम उसके खिलाफ कुछ भी छाप सकते हो अगर वो कोई पॉलिसी गलत कोई पॉलिसी लागू करता है कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा, ठीक है, तो उसके खिलाफ तुम रिपोर्ट छाप सकते हो। ये पूरा का पूरा अधिकार जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस लागू कर दिया गया था फ्रांस के टाउन्स में। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन स्टार्टेड अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल, और जो वहां पे जो फेस्टिवल सुनाए जाते थे, जो सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे, जो वहां प्लेस किए जाते थे, उनको जो है वहां पे जो है इन सारे चीजों में जो है बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होने लगने लगा था फ्रांस में, जैसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस हटा था, ठीक है, जैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का जो लागू हुआ, ये जब लागू हुआ था कानून, उसके बाद से बहुत ही जो दुर्दशा थी वो बहुत ही सुधर चुकी थी और बहुत ही बेटर सिचुएशन हो रखा था फ्रांस के लोगों के लिए और उनके सिटीजन्स के लिए। अब है कॉन्क्लूजन, ठीक है, कॉन्क्लूजन आखिर इन पूरे चैप्टर का आखिर क्या निकला प्रमेय। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि 1804 में जो है नेपोलियन किंग बन चुका था, ठीक है, ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि वो नेबरिंग कंट्रीज पे उसने कॉन्कर करना शुरू कर दिया था, डिस्पोजिंग डायनेस्टी, यानी कि जो डायनेस्टी थी पहले से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रीजन में उनको हटाकर जो है उनको अपने कब्जे में कर लेता था, एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और ऐसे ऐसे किंगडम्स वो बनाने लग गया था जहां पे वो अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पे लगा देता था अपने फैमिली में जो भी होता था उसके। नेपोलियन सो एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि जो लोग उसको जो है एक मॉडर्नाइजर वो चाहता था कि जो मैं फ्रांस है उसको मैं पूरे यूरोप को जो है मॉडर्न बनाऊंगा, क्लियर, ये नेपोलियन की सोच थी कि मैं फ्रांस को पूरा मॉडर्न बनाऊंगा।
ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, यानी कि उसने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का राइट्स दे दिया लोगों पे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी पूरे यूरोप में जो है बराबर का एक समान जो है उसने वेट एंड मेजर्स लागू कर दिया गया और डेसिमल सिस्टम जो है लागू उसने पूरे यूरोप में कर दिया था। मेनी सो एज नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम टू पीपल, यानी कि सब बहुत सारे लोगों को लगने लग गया जब इसने बहुत सारे अच्छे से काम किए थे नेपोलियन ने, तो बहुत सारे लोगों को लगने लग गया था कि जो नेपोलियन है वो उनका एक लिबरेटर है जो कि जो लोगों को फ्रीडम दिलवाएगा जो भी जिसके रूल में होते थे उस टाइम पे। बट सून नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी सीन एज इन्वेडिंग फोर्सेस, बट धीरे धीरे क्या जो नेपोलियनिक आर्मीज थी उन्होंने उनको वो ऐसे बन गए थे कि मतलब जो भी उनको लगता था उनपे कब्जा कर लेते थे, इन्वेड मतलब वहां पे युद्ध करके वहां पे कब्जा कर लेना, क्लियर। तो इन्वेडिंग फोर्सेज लगने लग गए थे धीरे धीरे वो लोग, जहां पहले लोगों को लगते थे कि ये एक लिबरेटर है जो लोग फ्रीडम दिलाएंगे, धीरे धीरे क्या हुआ धीरे धीरे ये सोच लोगों की बदलती गई और नेपोलियनिक जो आर्मी थी वो बहुत ही एक बेकार आर्मी की कैटेगरी में काउंट होने लग गए थे उस टाइम, क्लियर। ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और जो एक ऐसे युद्ध में जो वाटरलू में 1815 में जो है वो हार गया था, ठीक है, नेपोलियन। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अगर बात की जाए जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, जो डेमोक्रेटिक राइट्स था, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी था और फ्रीडम ऑफ राइट्स था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगेसी मानी जाती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्लियर। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश, और यही चीजें जो है फ्रांस के अलावा बाकी यूरोप के बाकी दूसरे शहरों में भी फैला था, बहुत ज्यादा दूसरे कंट्रीज में भी फैला, कौन कौन सा आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ राइट्स, क्लियर। ये चीजें जो है 19th सेंचुरी में फ्रांस के अलावा बहुत से पूरे यूरोप में जो है फैल चुका था जहां पे फ्यूडल सिस्टम लागू हुआ था और उसको हटाया गया, क्लियर। तो ये था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर था ये, ठीक है, नहीं लास्ट टॉपिक था। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस जो बुक्स का पीडीएफ मिल जो बुक का पीडीएफ मिलेगा चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा आप उससे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोगों आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में डाले, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप उससे, ठीक है, मैं वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश हुआ होगा कि आप लोग जो है पीडीएफ मिलेगा चैप्टर का उससे जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को चैप्टर और क्लियर हो अच्छे से, ठीक है। जहां भी कोई दिक्कत हो वहां पे अंडरलाइन करके आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर मुझे ऐसे ये इस पेज पे इस लाइन में दिक्कत है, मैं वहां पे आपकी डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है। तो आई होप जो होमवर्क मिल रहा है आप लोगों को वो भी आप लोग कर रहे होंगे कॉपी में, क्लियर। तो यहां से मैं अभी अलविदा लेता हूँ, ठीक है, आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिए, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।